गाइस देखिए, वैभव की दादी ने वैभव के पापा के हाथ भेज रखा है घर का बनाया घी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग एकदम जो जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे और हैप्पी हैप्पी होंगे। मैं भी एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसा कि टाइम हो रहा है, सुबह के 9 बज रहे हैं और आज है संडे का दिन। शेखर सुबह पहुंच गए थे 4:30 बजे गाजियाबाद से। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, उनकी 1 या 2 दिन की ड्यूटी लगती है ऑफिस में, बाकी दिनों घर से ही काम करते हैं। तो आज सुबह सुबह पहुंचे हैं वो, और मेरे जिया जी भी आए हुए हैं। तो जिया जी को जाना है आज घर, घर मीन्स पहाड़ वाले गांव में। तो मैं उनके लिए बस नाश्ता रेडी कर रही हूँ, और मैं बना रही हूँ प्याज के पराठे। और मुझे ना लेट भी हो गया था। एक्चुअली संडे के दिन तो यही होता है ना, थोड़ा लेट तक सोते हैं। फिर मैंने अभी फटाफट काम किया सारा, मतलब झाड़ू पोछा, पूरा कमरा नीट एंड क्लीन कर दिया है पूरा घर। और अब मैं बना रही हूँ फटाफट से पराठे। तो शेखर जाएंगे जिया जी को छोड़ने रामनगर बस स्टेशन पे, वहाँ से बस लेंगे और फिर जाएंगे गाँव। तो मैं फटाफट नाश्ता करवाती हूँ। सारा काम हो चुका है अब तक का। मैंने जैसे कि बताया, मैं नाश्ता बना रही थी पहले, मैंने नाश्ता सबको करवा दिया है और अब मेरी बारी है नाश्ता करने की। और जिया जी आए हुए थे, जिया जी जाने के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं। शेखर जा रहे हैं उनको छोड़ने रामनगर, वहाँ से उनको कुछ सामान वगैरह भी दिलवाना है गाँव के लिए, और फिर वहाँ से बस में बैठ जाएंगे और फिर चले जाएंगे गाँव। तो मैं करती हूँ नाश्ता। गाइस देखिए, वैभव की दादी ने वैभव के पापा के हाथ भेज रखा है घर का बनाया घी। वो घर पे घी बनाती हैं, तो वैभव ने दादी को फरमाइश भेजी थी, दादी घी ख़त्म हो रहा है घर में और आप भेज देना मेरे लिए। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है एकदम। मतलब अब घर की चीज़ तो घर की ही होती है प्योर, और इसमें झलक रहा है दादी का प्यार। तो वैभव ने जैसे ही बोला, दादी ने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता था वहाँ घी बनता ही रहता है। पिछली बार घर से नानी ने भेज दिया था आते टाइम, वो ख़त्म हो गया था, तो ये दादी ने भेज दिया है। जी जी जा चुके हैं, बाय बाय। तो गाइस देखिए, बारिश फाइनली आ चुकी है और मैं आई थी कपड़े लेने के लिए, लेकिन मैं भीग गई। कपड़े बचाने के चक्कर में मैं भीग गई हूँ, मेरे कपड़े भीग गए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और शेखर भी आ गए हैं जिया जी को छोड़ करके, जिया जी को बस में बिठा करके शेखर भी पहुँच चुके हैं। और मैं बना चुकी हूँ खाना, दाल चावल। आप देख पीछे का नज़ारा। वैभव अभी नहाया है ना, ये देखो वैभव भीग रहा है बारिश में। गाइस देखिए, आसमान में कितने काले बादल हैं, बहुत तेज बारिश आने वाली है ऐसा लग रहा है। बस आ ही जाए बारिश अब तो। मैं फटा गई, बस हमें भिगाने के लिए आई थी ये, हमें और कपड़ों को। अब हम जाते हैं और खाना खाते हैं और ये कपड़े चेंज करते हैं, वरना हमें लग जाएगी ठंड, क्योंकि वैभव ने अभी थोड़ी देर पहले ही नहाया था। कुछ ऐसा पता होता कि बारिश आने वाली है तो मैं इसको नहलाती नहीं, इसी बारिश में भेज देती, लेकिन अब दो दो बार नहा करके उसी उसी टाइम ठंड लग जाएगी। कैसे वैभव लगा हुआ है, पतीले में ही बैठ गया, सपोड़ा सपोड़ करके खाने पर लगा हुआ है। वैभव ने अपनी दादी को थैंक यू भी बोल दिया है। आम खाते खाते दादी को फोन पे बात कर रहा था कि घी भेजने के लिए धन्यवाद अपनी अम्मा को। और अम्मा को आगे के लिए ऑर्डर भी दे दिया गया है कि 1 किलो और बना दिया जाए, जब अगली बार पापा आएंगे तो उनके हाथ भेज देना। तो वो अम्मा का प्यार है, वरना गाय भैंस थोड़े ना है गाजियाबाद में, लेकिन वो बनाती हैं घी, तो भेज दिया अपने नाती के लिए। खाना भी खा चुके हैं। आज मैंने बनाई थी अरहर की दाल, येलो दाल और चावल, और वो भी तड़का दाल।
तो अब हो गई है, मतलब थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको शाम को, तो आप ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। हाँ तो गाइस टाइम हो रहा है शाम के 8 बज चुके हैं और हमने रात के खाने की तैयारी कर ली है। मेरी एक फ्रेंड आ गई थी मुझसे मिलने, तो अभी तक वो लोग बैठे हुए थे घर पे, तो उसके बाद वो गए, फिर हमने खाने की तैयारी की। मैंने तो उसे बोला था कि मतलब वो रुक जाए खाना खा के जाए, बट उसके परिवार में और भी कुछ लोग होंगे घर पे, तो उसको जाना था। एक्चुअली वो और मैं एक दूसरे को जानते हैं इंदिरापुरम से, तो काफ़ी टाइम बाद हम मिले थे। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से। और हाँ, आज मैं बना रही हूँ गाँव से आए हुए थे करेले और बैंगन, तो दोनों की सब्जी बना रही हूँ। हमारे घर में करेला भी और बैंगन भी सबको पसंद है, तो आज बन रहा है। मुझे अच्छा लगता है। फाइनली सारा काम हो चुका है, खाना हो चुका है और अब हम आ गए हैं बेड पे। बेड पे मीन्स सोने का टाइम हो गया, बेड टाइम हो गया। तो कूलर वैभव ने लगा दिया है, उसमें पानी भर दिया है। और लेकिन हाँ एक बात और, शेखर ने भी खाना नहीं खाया क्योंकि वो हैं बहुत बिजी, उनका संडे भी आज वर्किंग डे बन गया, तो वो अभी भी काम कर रहे हैं, उसके बाद वो खाना खाएंगे। अगर मुझे नींद नहीं आई तो मैं उनको खाना दूंगी, वरना वो खुद ही लेके खा लेंगे। तो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कैसे वैभव लगा हुआ है, पतीले में ही बैठ गया, सपोड़ा सपोड़ करके खाने पे लगा हुआ है। मैं कहाँ दिख रहा हूँ, उसके अंदर बैठा।